बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े ही अहम अमल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो अमल क्या है? एक मिनट का अमल है, सिर्फ एक मिनट लगेगा। वो एक मिनट का अमल ये है कि हर रोज़ 12 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लिया करें। आप घड़ी पर देखकर पढ़ें, आपको मालूम होगा एक मिनट में पढ़ी जाती है 12 दफ़ा कुल हु अल्लाहु अहद, पूरी एक मिनट में बिस्मिल्लाह समेत पढ़ी जाती है। ये पढ़कर हर रोज़ इसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दिया करें। याद रखिए, 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब एक कुरान के बराबर, और हदीस के अल्फाज हैं अगर कोई 12 मर्तबा पढ़ लेता है तो 4 कुरान मजीद के बराबर उसको सवाब मिलता है। एक मिनट 4 कुरान मजीद हर रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया भेजने। मेरा एक शागिर्द बताने लगा, एक हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके मुतालिक कहता है मैंने ख्वाब देखा। मैंने कहा क्या ख्वाब देखा? वो कहने लगा मैंने ख्वाब ये देखा कि ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उन शख्सियत को मेरा सलाम पहुंचा दो, और ये भी कह दो कि जो तुम हदीये मुझे भेज रहे हो ना, वो मुझे पहुंच रहे हैं। और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हुजूर साहब बड़ी खुशी का इजहार फरमा रहे हैं। ये बात मुझे बतलाई, मैंने फिर उनसे पता किया, मैंने अर्ज़ किया कि ये आप क्या वजीफ़े पढ़ के भेज रहे हैं कि हुजूर साहब इतनी खुशी और हुजूर ने मुझे वो हदीये पहुँच रहे हैं। और मैं लगे मैं हर रोज़ 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के हुजूर सिर्फ़ हुजूर सल्लम को इसका सवाब बख्शता हूँ। अगर वहाँ कबूल हो गया तो बेड़ा ही पार हो गया। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि ये 12 दफ़ा पढ़ के फिर अपने जो प्यारे मरहूमीन हैं जिसको पहुँचाना चाहते हैं, एक मिनट के लिए ये वजीफ़ा करके उनको भी सवाब पहुँचा दें। कितना सवाब होगा! अल्लाह मुझे भी और हम सबको अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।